औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं YouTube चैनल तालीम की दुनिया और मैं हूं आपका वेलविशर हबीब रहमान। आज की इस वीडियो में आपके साथ कुछ एजुकेशनल न्यूज़ हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है। वो क्या हैं? वो हैं कि पेशवराना डिग्री प्रोग्राम में दाखिला लेने से पहले उसके मंजूर शुदा होने की तस्दीक कर लें। कोई भी पेशवराना डिग्री प्रोग्राम या क्वालिफ़िकेशन मुतलका पेशवराना कौंसल से मंजूरी के बगैर पेश या शुरू नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद कुछ जामियात गैर मंजूरशुदा और गैर मुस्तनद प्रोग्राम्स में दाखिले के लिए दरख्वास्तें तलब कर रही हैं, जो कि तलबा के मुस्तकबिल के लिए एक संगीन ख़तरा और वक्त मालियो वसाइल का ज़िया है। लिहाजा तलबा और वालदैन को आगाह किया जाता है कि वो दाखिला लेने से कबल डिग्री प्रोग्राम की मुतलका प्रोफेशनल कौंसल से मंजूरी की जांच पड़ताल लाजमी कर लें। तमाम गैर पेशवराना प्रोग्राम्स के लिए इस बात को यकीनी बनाएं कि दाखिला देने वाली यूनिवर्सिटी या जैली कैंपस या इलाहाक करदा इदारा हायर एजुकेशन कमीशन से मंजूर शुदा है। मज़ीद रहनुमाई के लिए HEC का वेब लिंक मुलाहिज़ा फरमाएँ, HEC.gov.bk/site/HEIS। प्रोफेशनल कौंसल्स के राबता नंबर्स, ये तमाम लिस्ट है जो 1 से 14 तक है और इसमें आप मुतलका जो कौंसल्स है उसके राबता नंबर भी दिए गए हैं। इनसे आप राबता करके जो हैं पूछ सकते हैं कि मैं इस प्रोग्राम में या इस क्वालिफ़िकेशन में अपना एडमिशन करवाना चाहता हूँ, क्या ये HEC से रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं। तो ये HEC से एक जालसाज जो हैं उनकी जालसाजी को रोकने के लिए जो ऐसे इदारे एजुकेशनल इदारे जो डिग्रीज़ ऑफ़र करते हैं लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं होती, तो इससे स्टूडेंट्स को भी उनका वक्त भी ज़ाया होता है और उनका जो है माली वसाइल वो भी ज़ाया होता है उनका भी। तो इस चीज़ को रोकने के लिए जो है ये HEC से एक न्यूज़ जारी की गई है कि तमाम पेशवराना डिग्रीज़ और क्वालिफ़िकेशन जो हैं वो आप उसमें एडमिशन लेने से पहले उसकी जो मुतलका प्रोफेशनल जो कौंसिल्स हैं उनकी उनसे आप रब्ता करके उसके रिकॉग्नाइज्ड होने का या उसके मुस्तनद होने का पता लाजमी। तो ये थी अब तक की वीडियो, मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।